पनौती है पनौती। अरे राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी, मोदी पनौती है मोदी जी आतंकवादियों के लिए, पनौती है कांग्रेसियों के लिए, ये समझ लेना। पनौती तुम्हारे लिए, कांग्रेस को खत्म कर दिया पूरे हिंदुस्तान से, कहां बची कांग्रेस? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सत्यानाश किया देश। अच्छा यहां तो बैठे हैं ये महेंद्र जी, ऊपर इनका मोटा भाई और बैठा जयपुर में, मोटा भाई बड़ा भाई, और वो है अशोक गहलोत, भ्रष्टाचारी नंबर एक। अरे अपने राजस्थान को जिसकी माटी माथे से लगा के पूरा देश पूजा करता है, उसको भ्रष्टाचार में नंबर एक बनाने का काम किया अशोक गहलोत और महेंद्र महेंद्र जी के लेके। पेपर लीक, मेरे बेटा बेटी को तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये बेईमान आदमी पेपर लीक करके लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का पाप कर रहा है, लाखों बच्चों के भविष्य को। क्या इसको छोड़ना चाहिए आपको? पीपल ने पेपर लीक पर नंबर एक बना दिया, महिलाओं में अत्याचार पर आज राजस्थान नंबर एक हो गया। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया, मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। क्या रोज बलात्कार होते, शर्म नहीं आती? कांग्रेस के एक मंत्री बेशर्मी से कहते मर्दों का प्रदेश है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, मां बहनों बेटों के प्रति ये भाव रखते हैं। मेरी बहनों, मैं बहनों को देवी मानता हूं, मध्य प्रदेश के हर कार्यक्रम में पहले बेटियों के पैर धोता हूं, क्योंकि तो बेटियां भी मेरे लिए देवियां हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, हम देवी की मूर्ति मान के पूजा करते हैं, और लाडली लक्ष्मी से लेके हमने लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश को बनाई कि बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर, और अब लाडली बहना बना के तय कर दिया, हर महीने मेरी बहनों के खाते में अभी 1,250 रुपया जा रहे, 3,000 रुपया तक दूंगा, क्योंकि बहनों को जरूरत है आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। लेकिन यहां बहनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, या बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? अरे इतनी भ्रष्ट सरकार के योजना भवन में, मतलब जब मंत्री बैठते हैं वहां नोटों की गड्डी निकल रही है, सोना निकल रहा है। अरे बेईमानो कुछ तो शर्म करो, ऐसी बेशर्म सरकार मैंने नहीं देखी। और वो पैसा कौन का है? वो पैसा आपके खून और पसीने की कमाई का है, जो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत खा रहे और ये महेंद्र जी जैसे लोग खा रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, अति हो गई ये अन्याय की, अति हो गई ये झूठ है। लोग आज गारंटी देने आते हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे बताओ इन्हें कर्जा माफी की घोषणा की थी कि नहीं यार? अरे कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं? कर्जा माफ किया क्या? मध्य प्रदेश में भी चले गए हमारे तो 10 दिन में कर्जा माफ, और गिनते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में माफ नहीं, 11 बजे मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल में माफ नहीं किया उनने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, जनता ने बदल के मामा को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। ये वहां झूठ बोलने वाले यहां भी झूठ बोल के गए थे, इन्हें कर्जा माफ नहीं किया। मेरे बेटा बेटियों, इन्हें कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो लोग कहा था कि नहीं कहा था? किया दिया किसी को? ढेरा नहीं दिया। ये झूठे लोग, ये बेईमान लोग अब 17 वादे करने आ रहे हैं। अरे गारंटी अगर किसी की है तो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने कहा था लाडली बहना के खाते में पैसा डालूंगा, 1,32,00,000 बहनों के खाते में पैसा जा रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और आगे के लिए भी हम कह रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें तय किया कि हर साल किसान के खाते में 6,000 रुपया डालेंगे। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, मैं मुख्यमंत्री बना
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।